सब्सक्राइब कीजिए फ्लाइंग हीरो चैनल को एंड बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए सबसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो फ्रेंड फाइनली वी आर गोइंग टू द लेक सिटी ऑफ उदयपुर। यहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार है। ये रोड है माउंट आबू टू उदयपुर। हम माउंट आबू से उदयपुर की तरफ जा रहे हैं और ये फोर लेन रोड है। बहुत ही शानदार रोड दिख रही है। ये पहाड़ों के बीच में से कटिंग करके रोड बनाई गई हुई है जो कि बहुत शानदार लगती है। मैं आपको उदयपुर के बहुत ही मस्त मस्त सीन दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में, देखते रहिए। ये सोशियानाल टनल है। अगर आप उदयपुर जा रहे हो माउंट आबू से तो आपको इस टनल के अंदर से होके गुजरना पड़ेगा जो कि बहुत शानदार दिखता है। सो फाइनली हम होटल में पहुंच गए हैं। इस होटल को हमने 2500 में लिया था जो कि टू नाइट और वन डे के लिए लिया था, और फोर बेडरूम था यहाँ पे जो कि हम 6 लोग थे तो फिर एक हमें एक्स्ट्रा बेड दिया गया था। और ये वैल्यू फॉर मनी थी। यहाँ का खाना भी अच्छा था और थोड़ा बार्गिन तो करना ही पड़ता है जब कहीं पे भी आप घूमने जाओ तो बार्गिन तो करना पड़ेगा। उसके बाद में जाके हमें थोड़ी अच्छी होटल मिली। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं सहेलियों की बारी। यहाँ का नज़ारा थोड़ा ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा अच्छा तो आप नहीं कह सकते, नॉर्मल कह सकते हो आप इसे, क्योंकि एक्चुअल में हम गए भी थे तो जो ऑफ सीजन था उस टाइम। और अगर आपको उदयपुर सिटी जाना है तो आपको मेन बारिश के मौसम में जाना चाहिए क्योंकि ये लेक सिटी है तो लेक तो बारिश में ही अच्छी लगती है। देखते रहिए दोस्तों, ये है उदयपुर की शान फतेह सागर लेक। यहाँ का नज़ारा बहुत शानदार है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको एक नाइट स्पेंड करना यहाँ पे बनता है। जन्नत है बिडू जन्नत, मस्त नज़ारा। क्या लेक है, क्या भीड़ है, बहुत मस्त नज़ारा है। इस जगह को एंजॉय कीजिए इस म्यूजिक के साथ। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे आपको टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है क्योंकि यहाँ पे भीड़ का बहुत ज़्यादा रश रहता है और यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो जैसे कि हम आए थे 4 बजे और अभी टाइम हो गया 9 बजे, तब भी हमें बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला। आप इंजॉय करते रहिए इस जगह को और इस म्यूजिक के साथ में। अभी टाइम हुआ है रात को 11:30 बज गए हैं। अब हम जा रहे हैं हमारे होटल में वापस। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा फतेह सागर लेक को। तो अब मिलते हैं सुबह दूसरी नई जगह पे। आज डेट है 5 मार्च और आज के दिन मेरा बर्थडे था और मेरे फ्रेंड और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। थैंक यू फ्रेंड। ये है सिटी पैलेस जो कि बहुत खूबसूरत है और पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित भी करता है ये। और ये स्थित है उदयपुर सिटी के मेन बीच में। आप यहाँ पे पिछोला लेक को भी कवर कर सकते हो क्योंकि ये पिछोला लेक पे ही स्थित है। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसकी टिकट थोड़ी सी महंगी ज़्यादा है। अभी टाइम हुआ है शाम को 6 बजे का और हम अभी स्थित हैं पिछोला लेक की बैक साइड में और मैं आपको दिखा रहा हूँ पिछोला लेक। देख सकते हो आप कितना शानदार लग रहा है पानी में पिछोला लेक, और बीच में स्थित है ये पैलेस। Thank you.
यह सज्जनगढ़ किला है जो कि उदयपुर सिटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे सज्जन सिंह ने 19वीं शताब्दी में बनवाया था और यहाँ पे आप फोटोग्राफी वगैरह करोगे तो बहुत शानदार लगता है और नीचे का नज़ारा तो देखने लायक है, बहुत शानदार दिखता है नीचे का नज़ारा। ये है द सेलिब्रेशन मॉल जो कि उदयपुर में स्थित है। अगर आप सेलिब्रेशन मॉल में मसाज करवाना चाहते हो चेयर पे बैठ के तो वो भी आप करवा सकते हो, 10 मिनट का 150 रुपये चार्ज करते हैं। ये है भूत बंगला सेलिब्रेशन मॉल के अंदर, एंजॉय कीजिए भूत बंगले को। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को स्विच दबा दीजिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।